आज का हमारा टॉपिक है नल एंड नॉट नल। तो हम देखते हैं कि नल क्या होता है। पहले हम नल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि नल वैल्यू क्या होती है। तो नल वैल्यू का मतलब ये होता है कि वो एक स्पेस, ब्लैंक स्पेस, जहां पे कोई वैल्यू नहीं होती, यानी नल वैल्यू। ए फील्ड विद ए नल वैल्यू इज ए फील्ड विद नो वैल्यू, यानी जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होती। द एसक्यूएल नल इज द टर्म यूज टू रिप्रेजेंट ए मिसिंग वैल्यू, और ये उसके अंदर कहता है कि यहाँ पे तो वैल्यू है ही नहीं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंस की। डिफरेंस किसकी? डिफरेंस हम बात करेंगे नल और जीरो की। तो हम नल और जीरो में चेक करते हैं, क्योंकि सीबीएसई का एक मेन क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नल एंड जीरो। तो नल क्या है कि नल एक ब्लैंक स्पेस है जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होती, बट जीरो एक वैल्यू है। तो जीरो इज ए न्यूमेरिक वैल्यू या जीरो इज ए इंटीजर वैल्यू, जिसका हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन। हाउ टू टेस्ट द नल वैल्यू, हम कैसे चेक करेंगे कि ये नल वैल्यू है कि नल वैल्यू नहीं है। तो पहली चीज, ये पॉसिबल नहीं है कि हम नल वैल्यू को कंपैरिजन करें नल वैल्यू की, कि वो इक्वल्स टू है, लेस देन है या ग्रेटर देन, हम नहीं कर सकते। लेकिन हम इसको चेक कर सकते क्या ये नल है या क्या ये नल नहीं है। तो उससे उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इज नॉट नल या इज नल। अगर आपकी वैल्यू ब्लैंक है तो हम यूज करेंगे इज नल, और ब्लैंक नहीं है तो इसके लिए हम यूज करेंगे इज नॉट नल। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी, इज नल की, क्या ये नल है। तो हम यहां देखते हैं, द इज नल ऑपरेटर इज यूज टू टेस्ट फॉर एम्प्टी वैल्यू, नल या नल वैल्यू, एम्प्टी वैल्यू या नल वैल्यू। तो इसके हम जस्ट सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स में हम वही तीनों चीज यूज करेंगे, सेलेक्ट, फ्रॉम, वेयर। सेलेक्ट के बाद आप जानते ही हैं, या तो कॉलम का नाम लिखिए या स्टार लिखिए, सारे कंटेनर चाहिए तो। फ्रॉम के बाद टेबल का नाम आता है। वेयर के बाद उस कॉलम का नाम लिखिए जिसमें आप चेक करना चाहते हैं कि इसके अंदर नल है कि नहीं है। एग्जाम्पल में हम लिखते हैं वही सेम, सेलेक्ट फ्रॉम वेयर। सेलेक्ट के बाद मुझे नेम शो करना है, फ्रॉम किस टेबल से, एम्प्लॉय टेबल से, और किस पे मुझे कंडीशन लगाना, सिटी पे, क्या ये नल है इसके अंदर कोई। अगर कोई नल होगा तो उसी का नाम शो होगा। तो हम देखते हैं, ऑलवेज यूज इज नल इज लुक फॉर नल वैल्यू, और हमेशा इज नल नल वैल्यू को ही फाइंड आउट करता है। तो हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉयज वन, जिसके अंदर चार कंटेनर है, ओके, आईडी, नेम, सैलरी, सिटी। तो सैलरी में भी नल है, सिटी में भी नल है, यानी हमने इसमें कुछ नहीं डाला। आप कुछ नहीं डालोगे तो ये ऑटोमेटिक नल जनरेट कर लेगा। अगर आपने क्वेरी लिखा कि सेलेक्ट हम नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज वन वेयर सिटी इज नल, यानी हमें उस एम्प्लॉय का नाम बताइए जो जिसकी सिटी जीरो है या नल है, यानी सॉरी जीरो नहीं नल है, जिसकी सिटी नल है, जिसमें कोई सिटी नहीं है। तो जैसे हमने एंटर मारा तो ये दो वैल्यू शो करेगा। देखिए, एक सिटी में नल है तो उसका नाम नेहा है, दूसरी सिटी में नल है उसका नाम दिव्या है। तो देखिए, नेम नेहा और दिव्या, और ये हमारा आउटपुट है। हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है, हम इस एम्प्लॉय टेबल के अंदर हम इज नल स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो देखिए कैसे इसका आंसर शो होता है। हमने कहा कि एस ई एल ई सी डी सेलेक्ट करें, यानी शो करें नेम को, किसके, एम्प्लॉय नेम को, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से, ई एम पी एल वाई डब्ल्यू एस वन, एम्प्लॉय टेबल से। हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि जिनकी सिटी नल है उन्हीं की वैल्यू शो करना चाहिए, बाकी किसी की भी नहीं। तो हम लिखेंगे डब्ल्यू एच एल वेयर सिटी इज नल, और जैसे हमने इसको एंटर मारा तो देखिए हमारे पास नेहा और दिव्या आ गई। आप कभी भी ये जो कोडिंग है सिटी इज इक्वल टू नल कभी नहीं देंगे। रीजन ये कि इज इक्वल टू का साइन तब आता है जब आपके पास कोई वैल्यू हो। नेक्स्ट है हमारा इज नॉट नल, कि क्या वो ब्लैंक है या वो ब्लैंक नहीं है। तो इससे हम मेंशन करते हैं कि इज नॉट नल ये चेक करता है कि क्या वो ब्लैंक नहीं है। तो ये नॉन एम्प्टी वैल्यू को शो करता है, यानी डायरेक्ट वैल्यू बताता है। द इज नॉट नल ऑपरेटर इज यूज टू टेस्ट फॉर नॉट एम्प्टी एरिया या वैल्यू। तो इसके अंदर हम सिंटेक्स देखते हैं, वही सेलेक्ट फ्रॉम वेयर। सेलेक्ट के बाद आप जानते ही क्या करना है, फ्रॉम के बाद भी हमें टेबल का नाम, वेयर के बाद हमें कॉलम का नाम, और उसमें चेक करना है कि क्या वो खाली नहीं है। तो एग्जाम्पल में देखते हैं, सेलेक्ट के बाद नेम, फ्रॉम के बाद एम्प्लॉय, वेयर के बाद सैलरी। हमें सैलरी में चेक करना है कि किस किस की सैलरी
है उसी के नाम बताइए, सैलरी यानी किसके अंदर वैल्यू है। तो हमारे पास वही टेबल है, सेम टू सेम सैलरी सिटी ये सब। अगर मैं एक क्वेरी लिखता हूँ, सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वन वेयर सिटी इज नॉट नल, यानी जिसकी जिसका शहर दिया हुआ है, इज नॉट नल का मतलब खाली नहीं, भरा हुआ होना चाहिए, तो उसी के नेम बताइए। तो यहाँ पे देखिए आबू कोटा एंड आबू, तो इसके अंदर खुशी अमित और रवि, ये क्या है, तीनों आउटपुट हैं। अब हम देखते हैं कि जो नल नहीं है यानी जिनमें वैल्यू है हमें इसे उसी को शो करना है, तो हम इसके अंदर कैसे क्वेरी लिखेंगे। तो हम लिखेंगे सेलेक्ट शो करो नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल ई एम पी एल वाई डब्ल्यू एस एम्प्लॉय वन डब्ल्यू एच आर वेयर सिटी। हमने कहा कि जो नल नहीं है तो हम कहेंगे सिटी इज, इसके साथ हम लगाएंगे नॉट, सिटी इज नॉट नल, यानी जो ब्लैंक नहीं है। तो आप यहां पे लिख दीजिए वेयर सिटी इज, इसके इज नल हम लगाते थे तो वो जो नल वाला एरिया है वही शो करता था, लेकिन हमने कहा कि हमें जो खाली नहीं है यानी जो जिसमें वैल्यू है वही दिखाइए, तो हम लिखेंगे सिटी इज नॉट नल, जो ब्लैंक नहीं है। तो देखिए यहाँ पे नॉट नल, आबू नॉट नल है तो वो खुशी आ गई पहले नंबर पे, ठीक है, कोटा नॉट नल है, अमित आ गया दूसरे पे, फिर आबू नॉट नल है तो रवि। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।